जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, महिलाओं का ज्यादातर समय जो है रसोई घर में जाता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उन गृहिणियों पर सदा बरसती है, उनके परिवार पर सदा बरसती है जो रसोई घर को साफ स्वच्छ सुंदर रखती हैं, शुद्ध भावना से भोजन बनाते हैं। सब शुद्ध भावना से ही बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे क्या गलती हो जाती है। रसोई घर में ऐसे क्या कार्य करें कि जो हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए, हमारे घर के सभी सदस्यों के मन से नेगेटिविटी दूर हो जाए और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमारे पर बरसे। तो आज के वीडियो में लेकर समझ जानकारी मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। रसोई घर घर का एक प्रमुख स्थान है। वहां पर जो गृहिणियां होती हैं अधिकतर समय व्यतीत करती हैं। माता की कृपा से अगर जिसकी रसोई पूरी है, माँ अन्नपूर्णा का जिस पर आशीर्वाद है, उस घर में कभी कमी नहीं होती है। बहुत सारे कार्य हम करते हैं अपने रसोई में, बहुत सारे वर्जित कार्य भी बताए जाते हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य भी बताए जाते हैं क्या करें और हम क्या ना करें। अगर हमारे रसोई में जाने अनजाने कुछ चीजें लगातार होनी प्रारंभ हो जाती हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि अदृश्य शक्तियां हमको कुछ संकेत दे रही हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो उनसे हम बचने के लिए क्या उपाय करें। सर्वप्रथम आप अपने घर की रसोई में, जहाँ आपकी रसोई चाहे छोटी है, बड़ी है, सेपरेट है या एक रूम के अंदर ही है, बाल गोपाल, कृष्ण जी के बाल गोपाल का स्वरूप आप उसमें लगाइए और एक मोर पंख लगाइए। अगर आपकी किचन में स्थान नहीं है और आप बाल गोपाल का स्वरूप भी आपके पास नहीं, तो एक मोर पंख अवश्य लगाइएगा। इससे नेगेटिविटी दूर होगी और दैवीय शक्तियों का प्रभाव आपके घर के ऊपर बना रहेगा। उसके अलावा यदि आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपका प्रतिदिन दूध उबल कर निकल जाता है, हाथ कट जाता है, हाथ जल जाता है, या हम कोई भी भोजन तैयार करते हैं किसी के खाने से पूर्व ही वह गिर जाता है, प्रतिदिन ही हमारे हाथ से छूटकर आटे की लोई या रोटी जमीन पर गिरने लगती है और हम उन चीज़ों को कभी कभी देखा और अनदेखा भी कर देते हैं कि ये रूटीन की चीज़ है। अगर ये कभी कभार हो जाए तो आकस्मिक माना जाता है, लेकिन अगर ये लगातार हो रहा हो तो ये एक संकेत हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत होने वाला है या हो रहा है, या किसी ना किसी माध्यम से घर के अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है जो आपको ये संकेत दे रही है कि सावधान हो जाइए। हमेशा अच्छा या बुरा समय आने से पहले ईश्वर हमें संकेत अवश्य देते हैं। हमारी रसोई भी हमें संकेत देती है, हमारे घर का मंदिर भी हमें संकेत देता है, हमारा घर भी हमें संकेत देता है, लोगों का व्यवहार भी हमें संकेत देता है। तो रसोई में जो ये चीज़ें मैंने बताई, ये संकेत देती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत होने वाला है, तो उससे सावधान हो जाइए, उसे अनदेखा मत कीजिए। इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी रेगुलर हो रही हैं तो अपने किचन में हर शनिवार को 7 काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा एक कपूर की टिक्की रखें और 7 काली मिर्च के दाने रख के शाम के समय अपनी किचन में जला दीजिए। ये आप अपने एक रूटीन में भी शामिल कर सकती हैं कि किचन की खिड़की जहाँ भी कहीं से भी वेंटिलेटर हो वो खुला रहना चाहिए। 7 काली मिर्च के दाने केवल अगर आप कपूर के साथ जला देती हैं, हर शनिवार की शनिवार जलाइए, तो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। इस तरह की जो परेशानियां हो रही हैं कि सामान गिर जाता है, बिखर जाता है, तो वो सारा होना भी धीरे धीरे आप ये देखेंगे परिवर्तन आपको स्वयं दिखाई देगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें थी, इन्हें मैं अनदेखा कर रही थी, लेकिन अगर मैंने ऐसे करा तो देखो परिवर्तन होने लगा है। तो परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। अपने घर के अंदर हम किसी तरह की कोई ऐसी वाइब्रेशन ना आने दें जिसका कि नुकसान हमें उठाना पड़े और हम उन पर ध्यान ना दें और बाद में हमें नुकसान उठाना पड़े, फिर हम उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी परिणाम कई बार सामने नहीं आते हैं, परिणाम सामने आने में भी समय लगता है। तो इसलिए अगर पहले ही हम इन्हें नज़रअंदाज ना करते हुए इनको कर ले तो ऐसी कोई परेशानी सामने आएगी ही नहीं। यदि आपके घर में ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि जो आपका किचन है उसके पूर्व दिशा में एक घी का दिया, बहुत परिवारों में मैंने देखा है, बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है, घी का दिया मान पूर्णिमा के नाम का जला दिया जाता है। यदि आप ऐसा नहीं भी कर पाती हैं या अब तक नहीं कर रही थी, रूटीन में नहीं हो पाएगा, तो शुक्रवार के शुक्रवार एक दिया ज़रूर शुद्ध घी का पूर्व दिशा की ओर अपने किचन में आप अवश्य जलाइएगा। कभी भी धन की, संपदा की, अन्न की कमी आपके किचन में नहीं होगी, आपके घर में नहीं।
इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करें।